सोलन में आयुष्मान भारत योजना पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ये कार्यक्रम पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्था ने मुख्य अतिथि को जहां एक और अपनी मांगों से अवगत करवाया, वहीं उन्हें आयुष्मान भारत योजना पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री देश को नई दिशा और सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं और देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास में हैं, लेकिन जब तक भारतवासी अपनी भावनाएं नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम सभी को अपनी भावनाएं बदलने की आवश्यकता है ताकि पीएम अपने अभियान में कामयाब हो सके। राजीव सहजल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव तथा युवाओं के उत्साह का समन्वय भी भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश एवं विश्व गुरु बना सकता है। उन्होंने कहा कि अनुभव तथा उत्साह का मिलन सदैव सफलता का सूचक होता है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने वृद्ध जनों के अनुभव से सीख लें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश हित में अग्रसर हों। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह आम आदमी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ देश के सभी नागरिकों का न केवल सशक्तिकरण सुनिश्चित बना रहे हैं अपितु पात्रता के अनुरूप सभी तक लाभ पहुँचाने में भी सफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। योजना के तहत देश के लगभग 50 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार चिन्हित परिवारों को उपचार के लिए 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करवाएगी। आयुष्मान भारत इसमें ये दो भागों में, एक तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 5 लाख रुपए तक का जो है वो राहत जो है उसमें दिया जाना, गंभीर बीमारी से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है 10 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाने का लक्ष्य, और तकरीबन 50 करोड़ लोग जो हैं इस योजना के तहत आएंगे उनको इससे लाभ होगा। पूरे देश के अंदर वेलनेस सेंटर्स, तकरीबन 1.5 लाख वेलनेस सेंटर जो है पूरे देश के अंदर खोलना, यानी कुल मिलाकर के लक्ष्य ये है कि देश का नागरिक स्वस्थ होगा, उसकी स्वास्थ्य की चिंता करना, और संविधान के निर्देशों में ये है कि सरकारें जो हैं वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य की चिंता करें। तो ये पहली बार हमारे देश में इस प्रकार से हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक क्रांति के रूप में, एक आंदोलन के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं का जो विस्तार भी होगा और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी की जाएगी।